नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे अनोखे दशहरे के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की। बताते कि यहाँ रावण का दहन नहीं होता बल्कि परंपरा अनुसार रथ की परिक्रमा कराई जाती है और बस्तर का इतिहास करीब 610 साल पुराना है। साथ ही रथ परिक्रमा की कई मान्यताएं भी यहाँ जुड़ी हुई हैं। बस्तर के इस दशहरे का शुभारंभ चक्रकूट राज्य में हुआ था। बताया जाता है कि तत्कालीन राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में उन दिनों चक्रकूट की राजधानी बड़ी डोंगर थी और चक्रकूट को एक स्वतंत्र राज्य माना जाता था। राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और बस्तर के इतिहास के अनुसार साल 1408 के कुछ समय पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की पदयात्रा भी की थी। वहां भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी और उपाधि के साथ उन्हें 16 पहियों वाला विशाल रथ भी भेंट किया गया था। उन दिनों बस्तर के किसी भी इलाके की सड़कों में इन्हें चलाना मुश्किल था। बता दें कि 16 पहियों वाले विशाल रथ को 3 हिस्सों में बांटा गया था और 4 पहियों वाला रथ भगवान जगन्नाथ के लिए बनाया गया। वहीं बस्तर दशहरा के लिए 2 रथ बनाए गए जिनमें से एक फूल रथ और दूसरा विजय रथ है। फूल रथ तिथि अनुसार 5-6 दिनों तक चलता है और इसमें 4 पहिए होते हैं। वहीं दशहरे व दूसरे दिन चलने वाले 8 पहियों के विशाल रथ को विजय रथ कहते हैं। इस रथ संचालन को स्थानीय भीतर रैनी और बाहर रैनी कहते हैं। बस्तर दशहरा की विभिन्न रस्में होती हैं जो कि 75 दिनों तक चलती रहती हैं और 4 पहियों वाले फूल रथ को कचोरा पार्टी और अगरवारा परगना के ग्रामीण खींचते हैं। वहीं 8 पहियों वाले विजय रथ को किलोपाल क्षेत्र के माड़ियाँ खींचते हैं। बता दें कि बस्तर दशहरा के लिए बनने वाले रथ में केवल साल और तिनसा प्रजाति की लकड़ियों का ही उपयोग किया जाता है। इस साल भी डेरी गड़ाई रस्म अदा करने के बाद ही तिनसा प्रजाति की लकड़ियों से पहिए का एक्सल तो वहीं साल की लकड़ियों से रथ का निर्माण हुआ है। परंपरा के अनुसार बस्तर के झारूमर गांव और बेड़ा उमर गांव के ग्रामीण ही रथ का निर्माण करते हैं। रथ बनाने के लिए आधुनिक ही नहीं बल्कि पारंपरिक औजारों का भी उपयोग किया जाता है और इस साल भी लगभग 100 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर लगभग 15 दिनों में ही 2 मंजिला रथ का निर्माण किया है। तो ये थी बोले हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बोले हिंदुस्तान के साथ।